कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी का लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। राहुल के साथ लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। राहुल लोगों के बीच जाकर ये बता रहे हैं कि बीजेपी और मोदी की सरकार ने कैसे जनता पर अन्याय किया है। अन्याय पर न्याय के लिए राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जिसे भाजपा सामने नहीं लाना चाहती, ना ही मेनस्ट्रीम में, ना ही उन मुद्दों पर बहस चाहती है। और ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं और जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, बीजेपी पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी जनता के बीच जाकर बता रहे हैं जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, जबकि भाजपा की सरकारों ने साफ कहा कि जातीय जनगणना की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी ने जनता के बीच जाकर कहा कि अग्निवीर कैसे सरकार ने लाया, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बीजेपी की सरकार ने साफ तौर पर कहा कि अग्निवीर पर कोई चर्चा नहीं चाहेंगे। दूसरी बात, किसान की सबसे बड़ी प्रमुखता की बात है, किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी जनता के बीच जाकर गारंटी दे रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो एमएसपी देंगे, इस बात की लिखित गारंटी राहुल गांधी देने को तैयार हैं। लेकिन बीजेपी इन मुद्दों पर बात करना नहीं चाहती और ऐसे में अब राहुल गांधी जब नहीं रुके, राहुल गांधी जब नहीं झुके, तो अब देश में ऑपरेशन लोटस शुरू हो गई है। बिहार से लेकर यूपी, बंगाल, सभी जगहों पर ऑपरेशन लोटस चल रहा है। बिहार की ही बात कर लीजिए, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लिया गया, आरजेडी के विधायक को तोड़े गए, लेकिन ऐसे में सपा के विधायकों को यूपी में तोड़ा। राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं इन चीजों की परवाह नहीं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है और राहुल इस बीच इंडिया अलायंस को एकजुट करने में भी जुटे हुए हैं। अब राहुल कि न्याय यात्रा नहीं रुकी, बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, विशाल जनसैलाब राहुल गांधी के साथ जब चल रहा है, तो अब कांग्रेस का दावा है कि भाजपा की अगली चाल राजनीतिक स्थिरता कायम करने के रूप में आई है। नजारा बिहार, झारखंड और यूपी में दिख रहा है। भाजपा की नीति साफ है कि अगर राहुल नहीं रुके तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को डेंट पहुंचाया जाए। आज राज्यसभा की वोटिंग में भी इसका नजारा साफ तौर पर दिखा है। कांग्रेस का दावा है कि इन सभी के बावजूद आम लोगों के मन में न्याय यात्रा ने सकारात्मक असर किया है। लोग यह मानने लगे हैं कि उन मुद्दों को मोदी ढकना चाहते हैं जिसे राहुल खुलेआम उठा रहे हैं। जातिगत गणना पर राहुल ने यात्रा के शुरुआत से ही भाजपा पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि जनगणना ना करवाना देश के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और गरीब जनरल कास्ट की जनता के साथ अन्याय है और ये अन्याय सीधे तौर पर भाजपा कर रही है। मोदी ने इस घेराव का जवाब देने की कोशिश की लेकिन वो भी इधर उधर निकल गए, कोई ठोस जवाब बीजेपी की ओर से नहीं आया। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी ने इस यात्रा में आम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि उनके जीएसटी का पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है, उस पैसे से अदानी जैसे अरबपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं, वहीं गरीबों को कर्ज के लिए सड़कों पर घसीटा जा रहा है। यात्रा जहां से गुजरी वहां के गरीबों को राहुल ने समझा दिया कि आज मोदी ने ऐसा माहौल बनाया कि जेल में कोई अमीर ही नहीं है, जेल सिर्फ गरीबों के लिए है, गरीबों के साथ 24 घंटे अन्याय हो रहा है। इस यात्रा में बेरोजगार युवाओं का राहुल गांधी को सबसे ज्यादा समर्थन मिला। जब पर्चा लीक होने की वजह से यूपी में पुलिस बहाली परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा रद्द होने के ठीक पहले एक मार्मिक तस्वीर आई थी जब रोते हुए एक बेरोजगार युवा को ढाढ़स बंधा रहे थे राहुल गांधी और उसके आंखों की आंसू पोंछ रहे थे। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा ने जितनी इस यात्रा को तोड़ने की कोशिश की, राहुल उतना ही मजबूत होते गए, उनके मुद्दे और मुखर होते गए। इस यात्रा ने यह तय कर दिया कि मुद्दे एकजुटता से उठाए जाए तो मोदी को जवाब देना ही होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। इधर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राहुल गांधी के रफ्तार को रोकने में अब ऑपरेशन लोटस बीजेपी चला रही है, विधायकों को तोड़ा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल टूटने वाले नहीं है, राहुल झुकने वाले नहीं है, राहुल गांधी मजबूत हुए हैं, मुखरता से आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।